नमस्कार दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारे सभी रेल कर्मचारी की 26 जनवरी 2023 में सरस्वती पूजा का आयोजन कर रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं ये स्थान है बोटाद रेलवे कॉलोनी और यहां पर कई सालों से लगातार ये सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है और मेरे साथ में आज है जो इस पूजा को आयोजन को बढ़ावा दे रहे हैं वो कार्यकर्ताओं से मैं बात करता हूँ। दोस्तों मेरे साथ में है सुजीत भाई और मेरे साथ में है रवि यादव। तो आप ये बताइए कि रवि जी ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो रहा है और कब से किया जा रहा है? यहाँ तक ये जानकारी है मैं अगली साल कितने साल रुकी थी पिछले साल मैंने इस प्रोग्राम को सरस्वती का पूजा किया था और अच्छे ढंग से भी पूजा किया था। इस साल भी इसी उमंग और जोश के साथ मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ। इसमें आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है और मैं सहयोग की आशा भी करता हूँ। तमाम जितने भी माता के भक्तजन हैं सभी श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। और रवि भाई दूसरी बात ये बताए कि क्या इसमें आप जो मेहनत कर रहे हो आप अकेले नहीं बहुत सारी कमेटी के सदस्य, क्योंकि हम सब रेल कर्मचारी, कोई गार्ड है, कोई लोको पायलट है ना, कोई ट्रेन ये क्या स्टेशन मास्टर, कोई ट्रेन, मतलब सभी विभाग एक ड्यूटी रूटीन में जाते रहते हैं। तो कुछ लोगों का जो संगठन बनाए, एक समिति बनाए, उन लोगों में से आप हो, सुजीत भाई है, बहुत सारे ऐसे हैं जो इस सरस्वती पूजा का एक गठन करके एक संगठन बनाया गया, क्योंकि लगातार परंपरा चलती रहे और आपने लगातार 2020 से और ये हो रही है 2023 की तीसरी सरस्वती पूजा। तो 2020 में कम लोग आए होंगे, 2021 में ज़्यादा बढ़े होंगे, 2022 में और ज़्यादा, तो 2023 की जनवरी 26 जनवरी जो 2023 की सरस्वती पूजा होने वाली है क्या वो इतनी बड़ी होने वाली है कि सभी रेल कर्मचारी की नज़र सरस्वती पूजा पर रहेगी? इस बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में हमारे सुजीत जी बताएंगे। इस बार तो पहले से ज़्यादा होगा, जितना इस बार हुआ था अपेक्षा करता हूँ उससे भी ज़्यादा आदमी आएंगे। यहाँ से इस बार हौला से भी और बहुत बहुत दूर लोग आए थे, पिछला बार भी आए थे। तो मेरे भी भाई यही पूछना चाहता हूँ सुजीत भाई से, मैं पूछना चाहता हूँ कि सुजीत भाई इसमें जो क्योंकि बिना आए मतलब बिना पैसे के कोई भी सामाजिक संस्कृति का प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम हो नहीं किया जा सकता बिना पैसे का कोई प्रोग्राम। अब अगर 2023 का 26 जनवरी को जो ये प्रोग्राम होने वाला, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से और आपका जो गठन समिति के माध्यम से यही निवेदन कर रहा हूँ कि लोको पायलट हो या ट्रेन मैनेजर हो या फिर वो कोई भी विभाग का कर्मचारी हो, बढ़ चढ़कर आपसे बनते उतना सहयोग दीजिए सरस्वती पूजा में। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं कि उस समय ट्रेवलिंग जा रहे हैं, मतलब अपने गांव जा रहे हैं, पर वो सरस्वती पूजा के लिए अपना फीस या अपना जो भी बनता है वो पैसे देकर जा रहे हैं। तो मेरे भी भाई आपसे ही नहीं, मैं सभी कर्मचारियों से इस वीडियो के माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ, इसमें कोई भी जितना दे अपने मन से, क्योंकि भगवान सरस्वती हमारे बच्चों में है, हम में है, क्योंकि सरस्वती के बिना ज्ञान अधूरा है, वो ज्ञान की देवी है। तो जितना देता आज दे सके, क्योंकि हम 1 रुपये या 25 पैसा भी दिन में जोड़े तो कम से कम 1000-2000 हो जाता है। तो रवि भाई क्या इसमें बोटाद या बोटाद के बाहर के लोग जो मतलब अदर स्टेशन है, क्या वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं जो आए गए हैं जुड़े हुए और भी रहते हैं और ये रसीद भी आप काट रहे हो सबकी, तो ये आपका अच्छा सहयोग। तो इस बारे में और बताइए कि क्या इसमें कोई मना कर रहा है सब पूजा पैसे देने के लिए? कोई मना नहीं, नहीं पैसे की इशू नहीं है। मैं तो आपको बता दूं ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है इस कार्यक्रम में रेलवे इम्प्लॉय जितने भी कर्मचारी चाहे किसी भी डिपार्टमेंट, हाँ सारे डिपार्टमेंट, रेलवे परिवार, हाँ सारे को इसमें जुड़ा गया है और हर लोगों को साथ में मिलजुल कर इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मैं अगली बरस भी किया था लेकिन कोरोना की वजह से इतने भीड़ और शासन की जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं उसको फॉलो करते हुए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर पाया था, लेकिन इस साल उससे काफ़ी बेहतर करने की आकांक्षा है। और जिस तरह से आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, लग रहा है उससे भी ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम होगा और मैं इसमें हर संभव अपने 100% कोशिश कर रहा हूँ। रवि जी मैंने देखा था इसका बहुत बड़ा शानदार प्रोग्राम था, उसमें प्रसादी का भी आयोजन किया गया था। तो इस बार भी क्या सभी मतलब फैमिली कैंडिडेट पूरे परिवार के साथ में आने की व्यवस्था, प्रसादी की व्यवस्था है? इसी बात पूछिए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ये जो पूजा तो होता ही है माता का, पूजा होने के बाद प्रसाद वितरण के बाद ये खाने पीने का भी बहुत व्यवस्था होता है, सारी फैमिली
मेंबर चाहे जितने भी हों सब उपस्थित हों। और दूसरी बात ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो भी भाई पैसा नहीं देते क्या उसको भी आप निमंत्रण दे रहे हो कि सबसे पूजा में सब भाग ले? अब सारा कर्मचारी है, सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग पढ़े हुए लिखे हैं और सब लोग अनुभवी हैं, तो ज़्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अपनी महंगाई है और वो और सारे जो इश्यू हैं तो आप जानते हैं बिना बजट। देखो देखो रवि जी, बात यह है कि बिहार देहाती राज्य बिहार में या उत्तराखंड में ले लो या फिर सोसाइट ले लो, तो जरूरी कि सभी कर्मचारी, पर हम तो कर्मचारी है कि एक गाँव में भी सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप भी बताना चाहोगे कि क्या हम एक रेल कर्मचारी जो एक साल में 365 दिन में एक दिन का सरस्वती पूजा आयोजित करता है, तो सभी को ही धूमधाम से हम प्रोग्राम करना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए कोई ट्रेवलिंग, मतलब कोई जैसे कि कोई ड्यूटी पे भी जा रहा है और उसकी फैमिली, तो सबको इसमें बढ़ चढ़ कर पैसे का योगदान, क्योंकि पैसे से ही सबसे बढ़। और दोस्तों एक आदमी भी प्रयोग कर सकता है, ये आयोजन कर सकता है, परंतु सबका जो लेकर सबका, तो भगवान उसको ही देता है कि नहीं सभी कर्मचारियों ने मिलकर किया है। तो दोस्तों ये जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कॉलोनी है और ये कॉलोनी के बीच में यही आयोजन किया गया था 2022 में, तो 2023 में भी यही आयोजन किया जाएगा। यही जगह है और इस जगह को जो ये गंदी हो रही है, इस जगह को 5 दिन पहले साफ सफाई कर दी जाएगी। और अभी मैं दोस्तों अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जो ये समिति है ये अच्छा आयोजन कर रही है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। और जो भी इस रसीद के माध्यम से आप देना चाहते हो आपके सहयोग से, वो आप दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, और अगला वीडियो मैं सरस्वती पूजा का भी लेके आऊँगा कि कितना धूमधाम से मनाया जाए, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और सभी को बताएंगे कि बोटाद में 26 जनवरी 2023 को शाम को बहुत ही सुंदर सरस्वती पूजा का आयोजन होने जा रहा है। और उसमें यही नहीं, उसमें टेंट की व्यवस्था, उसमें जो प्रसादी की व्यवस्था है और दोस्तों उसमें डांस की व्यवस्था, आप बैठने की व्यवस्था, शानदार व्यवस्था है, तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।